साथियों आप मुझे बताइए, हमारे देश के महान महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के बलिदानी भगत सिंह, क्या किसी को मालूम है किस जाति के थे? सुखदेव किस जाति के थे? राजगुरु कौन जाति के थे? चंद्रशेखर आजाद कौन जाति के थे? रानी लक्ष्मीबाई कौन जाति की थी? नेताजी सुभाष बोस कौन जाति थे? भाइयों बहनों, एक भी महापुरुष अपनी जाति से नहीं जाना जाता है। आप मुझे बताइए, ये दांडी यात्रा 1930 में हिंदुस्तान की आजादी का एक स्वर्णिम पृष्ठ है। क्या कभी किसी ने हिसाब लगाया कि दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ चलने वालों में इस जाति के इतने थे, इस जाति के इतने थे, इस जाति के इतने थे? क्या कभी किसी ने सुना है क्या? सुना है क्या? हर कोई भारतवासी था, था कि नहीं था? अंडमान निकोबार में काला पानी सजा काटने के लिए हमारे छोटी छोटी काल कोठरियों में देश के भारत मां के वीर सपूतों को बंद कर दिया था अंग्रेजों ने। क्या कभी किसी ने सोचा कि काला पानी की सजा भुगत करके मां आजादी की जंजीरों को तोड़ने की तपस्या करने वाले उन वीरों में कौन किस जाति में पैदा हुआ था? क्या कभी किसी ने चर्चा की? भाइयों बहनों, आजादी के आंदोलन में कौन जाति थी, कौन जाति नहीं थी, किस जाति के नेता के साथ कौन था, ये न कभी किसी ने चर्चा की, ना ही किसी को पता था। सभी ने एक ही बात कही, भारतीय होकर, एकजुट होकर अंग्रेजों का मुकाबला किया और भारत को सैकड़ों वर्षों की गुलामी से मुक्त किया। किया कि नहीं किया? आजाद हुआ कि नहीं हुआ? सबने अपने आप को भारतीय कहा कि नहीं कहा? हरेक के दिल में मां भारती थी कि नहीं थी? भाइयों बहनों, उस दौर में सब आजादी के दीवाने थे, सब स्वराज के लिए लड़ रहे थे। अब आज भी आजादी के 70 साल के बाद, और जब हम आजादी के 75 साल मनाने वाले हैं, ये चुनाव आजादी के 75 साल के पहले का आखिरी चुनाव है। आजादी के 75 साल मनाने जा रहे हैं, तब एक और पड़ाव पर हम आए हैं। जितनी उत्कंठा, जितनी बेचैनी, जितनी छटपटाहट आजादी पाने के लिए थी, आज वही मिजाज विकास के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए पैदा हुआ है। जाति के बंधनों को तोड़कर देश ने एक बार फिर स्वराज जैसे हासिल किया था, वैसे फिर जाति बंधनों को तोड़कर सुराज्य हासिल करेगा। आजादी ने स्वराज्य दिया, ये जागरूकता सुराज्य देने वाली है। लेकिन भाइयों और बहनों, नए भारत की इस ऐतिहासिक यात्रा में आपको ऐसे लोगों से, ऐसे राजनीतिक दलों से सतर्क रहना है जो वापस देश को पुराने दौर में ले जाना चाहते हैं। याद रखिए, आजादी के इतने वर्षों बाद जाति बिरादरी के नाम पर वोट मांगे गए, लेकिन प्यार क्या हुआ? सत्ता में आते ही बदले की कार्रवाई शुरू हो जाती थी। राजनीति की इस मॉडल ने
सिर्फ व्यक्ति व्यक्ति में ही भेद नहीं किया, क्षेत्रों के आधार पर भी भेदभाव किया। बुंदेलखंड के इस पूरे क्षेत्र को अभाव में रखने का पाप भी इसी सोच के कारण हुआ है। साथियों, 2014 में आपने भेदभाव की इस व्यवस्था को तोड़ा और इस चौकीदार के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनाई। तभी सबका साथ सबका विकास संभव हो पा रहा है। भाइयों और बहनों, आज जो गांव गांव सड़कें बन रही है, वहां हर जाति हर पंथ का साथी जाता है। गांव गांव घर बिजली पहुंच रही है, वो हर जाति पंथ के लोगों को मिल रही है। गैस का सिलेंडर हर जाति हर पंथ के गरीब परिवार को मिल रहा है। अपना पक्का घर हर जाति हर पंथ के गरीब परिवार को दिया जा रहा है। हर वर्ष 5 लाख रुपए इलाज के लिए हर जाति पंथ के गरीब परिवार को तय है।